अब ये ग्रोथ हो के जो है ना 80% पे पहुंच चुकी है, तो ये कहाँ से रिकवरी हुई है, कितने मुलजिम पकड़े गए हैं, ये क्या बरामदियाँ हुई हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी। इसमें गुजारिश है कि मेरी जब पोस्टिंग हुई है ना, मुझे मेन टारगेट ख़ास तौर पर मेरे SDPO साहब राणा अकमद और नादर साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं रुकनपुर से बहुत परेशान हूँ, यहाँ वारदात बहुत हो रही है, रिकवरी बिल्कुल नहीं हो रही। मैंने आके चेक किया, उस वक्त हमारी रिकवरी रेशो जो थी वो तकरीबन थी 26%, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकवरी रेशो जो है वो तकरीबन 80% पर पहुंच गई है, जिसमें हमने माल मसरूका जो है वो टोटल इस वक्त तक 41,68,260 रुपये का माल मसरूका बरामद किया है। इसके अलावा जो है 8 मुकदमे जो हैं 1 महीना और 20 दिन में ये रिकवरी है हमारी 41,68,260 रुपये। इसके अलावा 8 मुकदमे हमने असले के दर्ज किए हैं, 4 मुकदमे मंशियात के हैं जिनमें 3,520 ग्राम चरस है, 195 लीटर शराब है, 450 टुपियाँ हैं और 6 चालू भट्टियाँ हैं। मजीद जो हैं तकरीबन 32 हमने इश्तिहारी भी गिरफ्तार किए हैं 1 महीना और 20 दिन में। ये है हमारी अभी तक की कार्रवाई। बाकी पिछली जो है वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। इस वक्त जो है तो ये मैंने रात DPO साहब को भी बताया था। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ वाजे कर दूँ कि आप लोग भी, आप में से एक दो सहाफ़ी भी रात कह रहे थे कि वो सप्लाई देने जा रहा था वो पकड़ा है। इसके अलावा 2 आदमी और पकड़े हैं जिनसे हमने अपने इलाके से चोरी हुए हुए 4 मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं। एक हमारी नकबजनी की वारदात थी जो अननोन आदमी थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी मेहनत की मेरी टीम ने, वो ट्रेस हुई। वो बहुत क्विक एक्शन लेते हैं। इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि जब भी हम थानेदार बन के काम करते हैं, एक पुलिस अफसर बन के काम करते हैं, तो हम अपने DPO साहब को अपने वालिद से भी ज़्यादा शफीक और प्यार करने वाला इंसान पाते हैं। हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारे वालिद बैठे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। लेकिन जब हम डाकू बनते हैं तो वो फिर भूल जाते हैं कि ये मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, उनको फिर एज ए पुलिस अफीसर उनको फिर हम सिर्फ डाकू नज़र आते हैं, पुलिस अफीसर नज़र नहीं आते। अच्छा, तो मैं ये वादे कर रहा हूँ। दूसरा ये ठीक है, बरामद हुई है टोटल
ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮਰ ਦੋਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਆਮ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਖੜ यार लक्ष्मी जाम कितना है।